हो। हाय दोस्तों, मेरा नाम राजीव, आप देख रहे हैं आरएल बाइक पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों, फोर इंडिकेटर चीप रेट में कैसे हो सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों पूरा चीप रेट में इंडिकेटर कैसे जल सकते हैं फोर इंडिकेटर। दोस्तों मेरे पास अभी फिलहाल बजाज का पल्सर है दोस्तों, बजाज का पल्सर मेरे पास फिलहाल है दोस्तों। उसमें दोस्तों फोर इंडिकेटर बनाना है दोस्तों। दोस्तों उसके लिए चाहिए एक स्विच चाहिए दोस्तों। एक स्विच चाहिए दोस्तों। सेकेंड हमको एक टैब चाहिए, एक पीस वायर चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करता हूँ। मेन स्विच लगाएंगे हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे। स्विच लगाने का पहले हम ये डिस्क का बोल्ट थोड़ा ढीला करेंगे हम, तो खोलेंगे कुछ। स्विच लगाने के बाद आराम से लगा सकते हैं। उसको लगा निकाल दिया मैंने दोस्तों। हम स्विच को इंस्टॉल करेंगे, हम ये साइड में करेंगे। स्विच को लगा दिया दोस्तों, कवर हम जिस जैसा था ऐसे ही लगाएंगे। स्विच लगा दिया दोस्तों, जैसे मिरर हम ऐसे ही लगाएंगे। स्विच का दोस्तों काम खत्म हो चुका है। ये अभी हम उसमें वायर यहाँ से लेके आएंगे। स्विच लगा दिया अभी, यहाँ से ले जाएंगे हम, यहाँ से लेके आएंगे, नीचे लेंगे हम वायर। उसके बाद हम निकालना चाहिए उसको इंडिकेटर का वायर। दोस्तों एक इंडिकेटर का वायर हम उसमें निकालेंगे। हम उसमें एक इंडिकेटर का वायर निकालेंगे, ये देखिए। इंडिकेटर का वायर निकाला हम। हम पहले इसको थोड़ा उठाएंगे, एक इंडिकेटर का, ये दोनों भी कोई भी वायर, एक वायर इंडिकेटर में लगाएंगे, कोई भी वायर। हम ग्रे कलर का चेक करेंगे, देखिए ये साइड में हम वायर लगाएंगे। एक वायर यहाँ लगाएंगे हम, हो गया, लगा दिया हम। देखिए इसमें थोड़ा ये है, इसमें हम ये टेप अप्लाई करेंगे, ब्लैक टेप भी रखेंगे हम। टेप यहाँ अप्लाई करेंगे, वायर कुछ भी काटने करना चाहिए दोस्तों, काटिंग वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। ये हो गया, और एक वायर ये जो है दोस्तों, ये फ्लासर पीछे उसके अंदर फ्लासर होता है, उससे एक वायर लेना चाहिए आपको। यहाँ से सीट तक
एक वायर आना चाहिए, यहाँ से सीट तक वायर आना चाहिए। चलिए हम साइड पेन खोलता हूँ, फिर हम साइड पैनल खोलेंगे। उसके बाद हम ये निकालेंगे सीट, सीट का लॉक यहाँ निकालेंगे, सीट उठाएंगे, हो गया। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए क्लासर इसमें है, देखो ये क्लासर है दोस्तों। क्लासर जो हमारा आउटपुट जो करंट जो होते हैं फ्लैशिंग होना चाहिए। आपके पास कुछ टेस्टर वगैरह होगा तो अच्छा है, नहीं तो आप कलर चॉइस कर सकते हैं। ये कलर देखिए, ये ऑरेंज कलर जो वायर है ये आउटपुट है दोस्तों। आपको चाहिए तो चाबी, आपको चाहिए तो चाबी पहले ऑन करेंगे, चाबी ऑन करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। ऑरेंज कलर आउटपुट है दोस्तों, देखिए ब्लिंक करता है, देखो ये हम आउटपुट है दोस्तों। यहाँ इनपुट है, ये क्या आउटपुट है, यहाँ से हम वायर निकालना चाहिए, यहाँ से हम वायर को निकालेंगे। कैसे, मैंने एक मीटर का वायर लिया दोस्तों, कोई भी 1 mm भी चलेगा दोस्तों। मैंने एक कतरी ले लेता हूँ, टेप निकालेंगे। ये जो ऑरेंज लाइट ऑरेंज कलर का वायर है, यहाँ से हम इनपुट करेंगे। हम इनपुट करेंगे, ये देखते हो गया, इनपुट हो गया दोस्तों। उसमें हम टेप अप्लाई करेंगे थोड़ा, हम पूरा टेप अप्लाई करेंगे। और थोड़ा सा टेप अप्लाई करेंगे, फिर जैसे था दोस्तों, जैसा दोस्तों था ऐसे ही लगाएंगे हम। वो चालू बंद करेंगे, आपको ध्यान देना चाहिए ये वायर यहाँ लेने के लिए, आप ये चाबी बंद करेंगे, चाबी बंद करेंगे, चाबी बंद करके हम यहाँ साइड दोस्तों,
ये स्विच का जो एक्स्ट्रा जो एक वायर था उसमें लगाएंगे, स्विच का वायर में ये लगाना है, स्विच का जो वायर है यहाँ लगाना है उसमें, उसमें टेप अप्लाई करना चाहिए। पूरा वायर अंदर लगाएंगे, केबल लगा दिया उसको, फेस संगम अंदर घुसाएंगे। ये हमारा वायर है, करेंगे थोड़ा सा यहाँ टेप अप्लाई करेंगे, हो गया दोस्तों। ये हम चेक करेंगे यहाँ से, अभी हम अभी चेक करेंगे, चाबी ऑन किया, एक गियर यहाँ लगाएंगे, यहाँ देखिए दोस्तों, पहले हम राइट साइड में तो लेफ्ट साइड कोई भी साइड कौन सा साइड में हम स्विच का जो वायर दिया है, ये स्विच का जो वायर दिया हम राइट साइड में, अब हम ये जो स्विच है दोस्तों ये लेफ्ट साइड में लगाना है, उसके बाद ये जो हम जो बटन लगाया, जो बटन लगाया उसमें प्रेस करना है। हो गया फोर इंडिकेटर ठीक रेट में, हो गया दोस्तों, हो गया। उसके बाद हम बंद करेंगे, दोनों स्विच बंद करेंगे दोस्तों, उसमें ऑन करना था ये और ये एक ये, चीप रेट में हो गया दोस्तों, 100 रुपये में 4 इंडिकेटर हो चुका है दोस्तों, 100 रुपये में 4 इंडिकेटर हो चुका है दोस्तों। सीट को लगाएंगे, रबर अपने ध्यान देना चाहिए, रबर अच्छा होना चाहिए।